मतलब पहुंचाता हूं राजा फरमाए गोपल मेरा ते बोले सुबह को बगते मसा कर दे गोपल मेरा ते बोले सुबह को बगते मसा कर दे कहा सूरज ने जो चाहे हबीबे इब्रिया कर दे कहा सूरज ने जो चाहे अभी पे किबरिया कर दे और वो चाहे जहरी को तो असे वो चाहे जहरी को तो असे या कजरो इशा कर दे कर दे जमीन को आसमां कर दे या को सरा कर दे जमीन को आसमां कर दे सुरैया को मेरी आंखों को मेरे शमसो दुहा कर दे और बहुत ही प्यारा शेर बुलासा फरमाए फकीरे शहर तैबा दुश्मनों का खातिमा कर दे फकीरे शहर तैबा दुश्मनों का खातिमा कर दे अतों के शहर में हंगामे महशर बपा कर दे अतों के शहर में हंगामे महशर बपा कर दे तेरा डर जानो पालन पर तेरा डर जानो पालन पर फकीरे शहर तैबा
दुश्मनों का खातिमा कर दे। बोले मचल के सुभान दुश्मनों का खातिमा कर दे, अजूब के शहर में हंगामा ये महशर बपा कर दे, अजूब के शहर में हंगामा ये महशर बपा कर दे। रसा ने जो किया है पसी वही अहले रजा कर दे, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मातर तेरा दर माँ, पितर मातर तेरा दर माँ, लो जाओ न पर पिता जान पर पैदा कर दे। मक्ता मिलासा तकवाली कि अजब तरीसे तखयुल है, अजब है फिक्र का तेवर, अजब तरीसे तखयुल है, अजब है फिक्री का तेवर। मुबारक है पिता मुर्शिद के अंदाजे तकल्लुम पर, मुबारक है पिता मुर्शिद के अंदाजे तकल्लुम पर, मुबारक है पिता मुर्शिद के अंदाजे तकल्लुम पर। गिरफ्तारी बना कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नती हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे। मान वालों क्या फरमा रहा कि मैं मेरे परिश्ते दूर भेजता नबी पर, अब तो तुम ईमान लाओ तो भी भेजो। अच्छा बंदा पढ़ता है तो बता अल्लाहुम्मा फ़ल्ली अला तू, बात समझ में आ रही है? खुदा कहता है के बाद जब हरियाली पहले सुर्ख क्या फूटे, कोई रहमत बरस जाए तो तैबा याद कर लेना। और एक आशिक कहता है कि हिंद में बैठ कर दे रहा हूँ सदा, हिंद में बैठ कर दे रहा हूँ सदा, है यकीन सुन रहे हैं मेरे मुस्तफा। अगर मेरे मुस्तफा नहीं सुनते हैं तो कौन सुनता है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, सलामती हो ऐ कब्र वालों। मैं इसलिए आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, ना मैं कोई बड़ा मुफक्किर हूँ, अन्ना मुझमें इतनी सलाहियत है, बस ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि की मोहब्बत का किला है, ये बिल्कुल गाने दीन की नजर इनायत है। वरना मैं कहा, मेरी जुबान कहा और मेरी हकीकत ही क्या? तो कब्रिस्तान जाइए, मेरे नबी ने फरमाया कि जिस जात पर मेरा ईमान है
उस जात ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाओ और सलाम अलैकुम या आले हुजूर कहो, तो पता चला कि मेरे नबी ने सुना है, देखा है, जाना है, तभी तो उम्मतियों को हुक्म दिया है कि जाइए सलाम कीजिए। तो इस बात की यह तस्दीक मिलती है कि मेरा नबी जानता है कि मेरे मुर्दा भी क्यों सलाम का जवाब देते हो। अब आप अंदाजा लगाइए, एक आम मुर्दा, एक आम दुनिया से जानने वाला जिसके अंदर अल्लाह ताला यह सलाहियत दे रखता हो और जिसके सदके में पूरी कायनात बनी, इसीलिए आशिक कहता है कि हिंद में बैठ कर दे रहा हूं सदा, है यकीन सुन रहे हैं मेरे मुस्तफा, ये सलामत रहे इश्क का रब्ता। मैंने माना मदीना बहुत दूर है, मैंने माना मदीना बहुत दूर है, और दूर वो लोग सोचे जिनको अल्लाह ने दिल नहीं दिया। अरे अल्लाह ने जिनको दिल नहीं दिया, जिनको दिल दिया है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिल को मौजूद बेशक बेशक। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक की मोहब्बत ही सब कुछ है। अगर नबी पाक की मोहब्बत आपके दिल में नहीं है, आप कितने भी बड़े मुंतकी हो जाइए, परहेजगार हो जाइए, इबलीस से बढ़कर इबादतें करने लगे, याद रखना कोई इबादत तुम्हारी काम नहीं आएगी। अगर कोई इबादत काम आएगी तो वो इसके रसूल की बुनियाद पर जो तुमने आता हो कि वही इबादत दुनिया में काम आएगी और वही इबादत मरने के बाद काम आएगी। मुसलमानों, आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्या ये आलिम दीन नहीं है, क्या ये आलिम दीन नहीं है, और या हमारे उस्ताद मुहतरम था जिनको, इनके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनके साए को हमेशा हम लोगों पर कायम रखें, इसलिए कि उस्ताद उस्ताद हुआ करता और उस्ताद जी की सबकत की बुनियाद पर शागिर्द को बदलने में। बहरहाल मैं इसलिए आपको यह भी बात डालना चाहता हूँ कि आज के दौर में मैंने देखा है कि जब कहीं कोई बात होती है, अगर कहीं मजार पर चले जाओ तो कहते शिर्क है। गौर कीजिएगा, अगर कब्रिस्तान चले जाओ शिर्क है, किसी को गोसा दे दो शिर्क है। शिर्क याद रखिए, खुदा जैसी जात किसी को तस्लीम कर लेना या खुदा की जात में किसी को तस्लीम कर लेना, यही शिर्क है। अब आप किसी आलिम दीन से पूछिए कि नबी पाक की आप तारीफ कितनी करते हैं, तो आलिम यही कहेंगे कि नबी पाक की हम उतनी ही तारीफ करते हैं इसलिए कि नबी पाक का खालिक मेरा खुदा है, नबी पाक का खालिक मेरा खुदा है, और खुदा ने अपने महबूब को ऐसा पैदा किया जिस जैसा पूरी कायनात में अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। मामला खत्म हो गया। अब 15 शाबान की रात आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला फरमाती है, गौर कीजिएगा, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला फरमाती है कि मैं रात की कुछ हिस्सा जब गुजर गए तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतराते खाबीता पर न पाया, मैं हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई कि या अल्लाह आकाए कौने कहां तशरीफ ले गए। दिल में ख्याल आता है कि हो सकता है कि किसी दूसरी बीवी के यहाँ गए हूँ, वहां भी जाती हूँ, दूसरे के यहाँ जाती है, तीसरे के यहाँ जाती है, सबके यहाँ जाती है, जब कहीं नहीं पाती है तो बेचैन हो जाती है, फातिमा के घर भी आती है, फातिमा से भी अर्ज करती है कि आकाए कौने तशरीफ लाए, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। लिखा हुआ है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जब कहीं न पाई तो जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गई। क्या देखते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख जेबा आसमान की तरफ,
और एक रिवायत में है कि आकाए करीम पर नंदाल कदलम का सरे मुबारक जमीन पर है, हालत सजदा में नबी पाक खुदावंदुल्लाह शरीफ की बारगाह में रो रो कर अर्ज करते हैं कि ऐ रब्बे करीम, ये रात शबे बरात है, ये रात गुनाहों से बचने वाली रात है, ऐ रब्बे करीम ऐ रात मेरी उम्मत को तू बख्श दे, ऐ रब्बे करीम ये रात जिसकी फजीलत तूने इतनी अदा की है, ऐ रब्बे करीम मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी शहीद की कब्र पर जाना सिर्फ होता तो माज अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तेल कर सकते थे? नहीं। तो पता चला बुजुर्गों की कब्र पर जाना नबी पाक की सुन्नत, नबी पाक की सुन्नत है। और यही नहीं, ये तो इंसानों की बात है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए, चौथे हिजाब पे पहुंचे, क्या देखा कि एक फरिश्ता नूरी नूरी तक बिछा हुआ है, एक फरिश्ता उस पर बैठा हुआ है, 70,000 फरिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील ये क्या मामला है? जिब्रील अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इसे रानाइजा अता फरमाई, अल्लाह ताला ने ये दबदबा अता फरमाया, अल्लाह ताला ने ये मर्तबा अता फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मक्का गए, खुदा के करीब गए, तशरीफ लाए, जब पलट कर चौथे हिजाब पर आए तो क्या देखते हैं कि न वो नूरी तक, गौर कीजिए, न वो नूरी तख्त, न वो फरिश्ता है भी, तो आलम यह है कि उसके बालों पर सब जले हुए हैं, एक कोने में पड़ा हुआ है, 70,000 के फरिश्ते उसके इर्द गिर्द थे, वो एक भी नजर नहीं आते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ये क्या माजरा है? अभी तो मेरी सवारी गुजरी थी, तो बड़ी शानो शौकत के साथ था, और जब मैं वापस आया तो शानो शौकत का कोई एक भी शानो शौकत का कोई भी एक लम्हा नजर नहीं आता, जिब्रील क्या मामला है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सवारी जब गुजर रही थी तो आपकी शान शौकत की बुनियाद पर आपकी ताजिम के लिए खड़ा नहीं हुआ था। और कीजिएगा मेरी बात, जो लोग खड़े होकर सलाम करते हैं वो बात मेरी गौर करके सुन ले कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, जिब्रील क्या मामला है? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ये है कि आपकी सवारी जब गुजर रही थी तो ये अपनी शान शौकत की बुनियाद पर आपकी ताजीम के लिए खड़ा नहीं हुआ था, अल्लाह को ये अदा पसंद न आएगी, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ, जो मेरे महबूब की ताजीम के लिए न खड़ा हो उसके उसके ये उसके दतबे की उसके जाओ हकमत की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जितनी ताकत उसकी ताकत को छीन लो, ताकतें छीन ली जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील फिर क्या होगा? तो जिब्रील अपनी नाराज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब फैसला आप पर है, अगर आपने माफ फरमा दिया तो मर्तबा मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने माफ फरमा दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो फरिश्ता मेरे सरकार की ताजिम के लिए न खड़ा हो उसकी शानो शौकत छिन जाए, और जो बंदे मोमिन अपने आप को उम्मती कहलाने वाला, अपने आप को नबी पाक की मोहब्बत में हर वक्त ये क्या कहते हैं तुरंग होने वाला, और वो ये झूठा दावा करे कि अगर सलाम तो सलाम की बात आए और उसके चला जाए, आप बताए कितनी मनमुखियत की बात है। अगर सुन्नत ही अदा करना है तो फरिश्तों को देख कर अदा करो, अगर सुन्नत ही अदा करना है तो काबे इकराम को देख कर अदा करो, सुन्नत ही अदा करना है तो औलिया इकराम को देख कर अदा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी।
दुरुदे पाक पढ़िए अल्लाह हुम्मा सय्यदना व सकीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लि फद अलैक सलात व सलाम अलैक या रब्बल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। क्या भेजो बोलिए तो, और मैं आपसे कुछ ले नहीं लूंगा। पहली मर्तबा शायद दूसरी या तीसरी मर्तबा है आपके सामने मुखातब हूँ, और अगर आप हंसकर नहीं बोलेंगे तो मैं भी जानता हूँ मैं वो ट्रेन हूँ कि चलता रहता हूँ अचानक उठ जाता हूँ, और अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह अजीज जुबान मेरी होगी, फर्ज खुदा का होगा, कुत मेरी होगी, कर्म जो है तो गुलाम का है शाल रहमा का होगा, वरना मेरी हकीकत कुछ नहीं है। तो तवज्जो दीजिए, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। कुरान का कुरान रब फरमाता बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, ऐ ईमान वालो तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। बेशक कौन फरमा रहा है बोलिए, कौन फरमा रहा है? खुदा फरमा रहा है। बड़े सन्नाटे के माहौल, बगैर सुभान अल्लाह कहे हुए अपनी चश्मदीनी के साथ हजरत अल्लामा सैयद रिजवान साहब की जियारत करते रहे और चुप जुबान से उनकी इस्लाह की बातें, नसीहत आमेर बातें, दुरूद सलाम से मुतालिक बातें समाप्त कर रहे। ये आपके बैठने का अंदाज, ये आपका चुप रहना, खामोश रहना आपके जलसे की कामयाबी की दलील नहीं बन सकता, इसलिए आपको अपनी जुबानों को वक्त ब वक्त हिलाना होगा। मतलब हिलाने का ये होता है कि आप अपनी जुबान से जब कोई नाखां नाखानी में मुनमिक और मशगूल हो और आप दिल जमोई के साथ उनकी नाखानी को समाप्त कर रहे हो तो वक्तन फवक्तन सुभान अल्लाह जब जोर से कहेंगे तो उनके दिल की दुनिया मचल जाएगी, वो यही समझेंगे कि मेरी बात जो है आवाम कबूल कर रही है, और खामोशी के साथ आप मजाहिरा करने आए तो ये अलग आपकी जिम्मेदारी है। आप बैठे रहे क्योंकि अभी तक आपने बड़े अच्छे माहौल में नाथा हजरात से नाथखानी समाप्त फरमाई, जिनमें शहनशाह तरन्नुम और मेरी जुबान खुल रही है हजरत अल्लामा मौलाना अरमान रजा खाता है। ये मैंने अल्लामा और मौलाना क्यों कहा, ये हमारे मदरसे से ताल्लुक रखते हैं मुतालिम, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म दीन मुस्तफा सीखने में लगाई और मुकम्मल तरीके से इल्म दीन हासिल किया है। ये हमारे मोहतरम मकाम जनाब यासीन खान साहब के नवासे हैं, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ
उनकी तालीम हुई है और इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे में आइंदा जुमा में इनकी जामा मस्जिद में आलमियत की दस्तारबंदी होगी। आलमियत की दस्तारबंदी होगी, बड़े खुशनसीबी की बात, सुभान अल्लाह। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे कस्बे से, हमारे मदरसे से उलमा इकराम फारिग हो रहे हैं, लेकिन ये लड़का हकीकत में एक नाजिर नायाब लड़का जिसने अंधेरे में, उजाले में, बरसात की रात में बगैर टॉर्च के, बगैर किसी की मदद के अपने घर से मदरसे तक जाकर उलमा इकराम के सामने जानवे अदब तय करता रहा और इल्म दीन मुस्तफा हासिल करता रहा। इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, अगर इल्म तुम्हें हासिल करना है, इल्म तुम्हें यहां नहीं मिल रहा है तो इल्म को हासिल करना करने के लिए अगर तुमको चीन जाना पड़े तो तुम वहां चले जाओ। बिहम्दुलिल्लाह ताला आपकी ये दीनी इदारे आलमियत के लिए, हुफ्फाज़े किराम बनने के लिए खुले हुए और ये बड़ी खुशनसीबी, बड़ी मसर्रत की बात है कि हमारे कस्बे से, वैसे बिहार के और बच्चे हैं जो फारिग तहसील हो रहे हैं, इल्म दीन मुस्तफा पा करके आलमियत की डिग्री हासिल करने वाले हैं। इनमें एक और हर बच्चा आपके पूरा महीने का है, माधवपुर मौजे का है, जिस मौजे में आपका मदरसा चल रहा है, तो ये खुशी की बात नहीं। अगर कि जहाँ चराग जलता है वो चराग के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन मैं मान गया आज चराग के नीचे भी अंधेरा नहीं है, दाहिनी तरफ भी उजाला है, बाईं तरफ भी उजाला है, चराग के नीचे भी उजाला है, चराग के ऊपर भी उजाला है। मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फखरपुर की धरती पर आपके मदरसे से एक चांद अदा फरमाया। इल्म दीन की फजीलत अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो चंद लफ्जों में आप समझ लें, उलमा की ज़ियारत करना नबी पाक की ज़ियारत करने के मुकाबिल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने एक आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने एक आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो किसी एक आलिम दीन की ज़ियारत के लिए घर पे गया है गोया कि वो मेरी ज़ियारत के लिए मेरे शहर में आया। और इनकी फजीलत सुनना तो सुन लो, आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं, कोई भी किसी तालीम का जानने वाला कब्रिस्तान से गुजरेगा तो कब्रिस्तान के मुर्दों को सवाब नहीं दे सकता। ये उलमा और ये हुफ्फाज को अल्लाह ने इतनी फजीलत दे रखी है कि अगर ये कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए, कुछ पढ़े या ना पढ़े, तो इनके कदमों की बरकत से अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के गुनाहों को माफ कर देगा। आलम दीन की बड़ी फजीलत है, हमारे दरमियान में दो नूरानी हस्तियां बैठी हुई, एक आपके मुफ्ती साहब जो काबिले कद्र है और दूसरे आपकी जामा मस्जिद के इमाम हजरत अल्लामा मौलाना इबादुर रहमान बेग साहब क़िबला, दोनों नूरानी सूरतें आप ज़ियारत कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं। ये फैसला आप नहीं कर पाएंगे,
कि कौन आलिम बड़ा है कौन छोटा, छोटे बड़े का इम्तियाज ना आप उलमा में कर सकते हैं ना औलिया में कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इस आस्थाने पर बैठे हुए हैं, इनकी तारीफ मेरी जुबान में से नहीं हो सकती, बल्कि इतना कहूंगा कि उलमाए कराम की नजर आवाम की सूरतों पर होती है, ये औलिया की नजर आपके दिलों पर होती है। ये अल्लाह वाले जब आंखें बंद करते हैं तो रब का दीदार करते हैं, ये अल्लाह वाले जब आप उनके सामने से गुजरते हैं, उनकी दरगाहों से गुजरते हैं, तो क्या अल्लाह ताला आप पर जो करम का छींटा, जो करम की बरसात इनके आस्थानों पर नाजिल हो रही है, तो इनके आस्थाने के अंदर आने वाला या करीब से गुजरने वाला महरूम रह सकता है? जिस कदर अल्लाह ने इन पर अपनी रहमतों का नुजूल फरमाया है, उनकी कुर्बियत में रहने वाले पर भी अल्लाह रहम फरमाता है। हम ये तमीजी कलमा इसलिए अर्ज करना चाहते हैं कि हजरतैन का मूड जो है समझ जाए। तो हजरत एक हजरत तो जा चुके हैं, बैठे हुए हैं, अपनी अच्छी तकरीर से आपको बहुत मुतासिर किया, लेकिन अफसोस ये रहा कि आपकी जुबान का हो, आपने एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं कहा। अब इस अफसोस का इजहार में मैं तो कर रहा हूं कि काश आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो मामला हल नहीं होगा। मामला हल जब होगा जब आप अपने मुबारक जुबान से सुभान अल्लाह की आवाज से उलमाए इकराम को बोल दें, वो खुद मुतासिर हो जाएंगे, उलमाए अहले सुन्नत का यह बयान हमारी आवाम समाज हमारे तो इनका दिल बाग बाग होगा। ये नजराना लेने के नहीं आए हैं, बल्कि नजर नयाज को का प्रचार करने के लिए आए। आप इनकी ज्यारत खाली करते हो बड़े अच्छे माहौल में, आपने दुरूद सलाम से मुतालिक अल्लामा रिजवान साहब की तकबीर समाप्त कर और कम देर में कम लफ्जों में ज्यादा बातें कह गए जिसका एहसास आपने नहीं किया। काबिले तहसीन है आशिकाने मुस्तफा की कमेटी के लोग, बड़े जज्बाती हैं वो नौजवान हैं, अल्लाह ताला उनके ईमान को और फरोग बख्शे, इसलिए कि जब दिल में ईमान की जगमगाहट होती है तब रोजे जगमगाते हैं, दिल में जब ईमान की खुशबू होती है तो ये खुशबू जलसों में फैलती है। सबने तहैया नहीं किया था कि हम कुरान तहा का उर्स करेंगे, एक मालूम शख्स जो बहुत कोहना मस्क आपके सामने एक पान की थाबली में बैठा हुआ इतना बड़ा इंतजाम कर रहा, मैं खुद मुतासिर हो गया। मैं किसी के चरना नहीं मान सकता, मुझे डर लगता है, खौफ लगता है, कोई ना ना बोल दे, कोई पूरी बात ना कह दे, लेकिन वो ऐसा सब जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर गुलाम ताहा की बारगाह में पेश कर दिया। कमेटी के अफराद खुश नसीब है जिनमें जनाब रिजवान साहब होटल वाले पेश पेश और इसी कमेटी के सरबराह सैयद मकसूद अली साहब भी हैं, जो हमने करीब 2 साल से इनको यहाँ पे देखा, बड़े मुतहर्रिक हैं ये लोग और औलिया इकराम की मोहब्बत को दी, मोहब्बत जब बेदार हुई तो स्टेज लगा दिया, मोहब्बत बेदार हुई तो कुर्सियों का इंतजाम किया, और किसके लिए, आपके लिए किया कि जनता देख ले कि अल्लाह वालों की तारीफ किस तरह उलमा इकराम करते हैं। तो अब ये जलसा सजाने की जिम्मेदारी हमारी कमेटी की अपराध पर और इसके खसूसी तौर पर रूही रवज से किया जाता है।
जैसे कि उर्स की रूह। नसीम अली साहब पान वाले हैं और उसकी सरबराही में काम करने वाले जनाब रिजवान साहब होटल वाले, जनाब तफी अहमद साहब जो मास्टर हैं, जनाब सैयद इंतजार अली गुट्टू बाबा, ये साना बसाना इन लोगों का साथ दे करके अपने हक सुनियत अदा कर रहे हैं और हकीकत में इन्हें सुनने कहलाने का हक है, क्योंकि ये बाजार वाले नहीं है, मजार वाले हैं। हमें इनको समझना होगा कि हम खाली जुबान से कह के चले जाए अंदर आ जाते उनको कि उर्स क्या करो। हम कहते हैं कि फला बाबा ने इतनी करामत दिखाई, चलो ठीक है हम कह के चले जाए, लेकिन सही मानों में अमल करने वाले यही वो लोग हैं जिन लोगों ने शामिल न लगाया, जिन लोगों ने लाइट का इंतजाम किया, जिन लोगों ने फर्श का इंतजाम किया, जिन लोगों ने खाने पीने का इंतजाम किया। ये कम कुटन, ये बहुत कुर्बानी, कहना और है और करना और होता है। हमसे कहा जाए कुर्सी उठा के वहां पर रख दो, हम नहीं रख पाएंगे। आपसे कहा जाए टकल बिछा दो, हम नहीं बिछा पाएंगे। माना कि आपके पैसे से काम होगा, यकीनन आपकी मोहब्बतों का ये समरा है जो इससे बिछा होगा। अभी हमारे वर्मा क्रम बाकी है, इनकी आपको पूरी पूरी तकरीर सुन के जाना है, लेकिन मेरी बात अगर समझ में आ गई तो नुसल्लि व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए हमारे सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम।
अलैहि या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैक या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैक या नबी अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إله العالمين ہم تیرے بندوں نے یہاں پر جو کچھ بھی تیرا اور تیرے حبیب کے حبیبوں کا ذکر کیا ہے اور حاضرین مجلس نے جو کچھ بھی تیرا حبیب کا ذکر کیا ہے جو شریف پڑھا ہے مولا اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے آمین مولا اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں عطا فرما سرکار کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام و مرسلین اعظم علیہم الصلاۃ والسلام سرکار کے والدین پاک خلفائے راشدین اشرف المبشرین رضی اللہ تعالی عنہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج پاک و جملہ بنات پاک طیبات طاہرات رضی اللہ تعالی عنہما حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں جملہ غزوات سرایا کے تمام شہیدان پاک کی بارگاہ پاک میں اس کا ثواب عطا فرما مولا کل صحابہ کرام و جملہ اہل بیت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عطا فرما مولا تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین جملہ صدیقین صالحین محبوبین و جملہ سلاسل حقہ کے تمام مشائخ کرام و پیران اعظام کو اس کا ثواب عطا فرما مولا ان سب کا ثواب میر مینا حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نورانی میں اس کا ثواب عطا فرما سلسلے قادریہ کے تمام بزرگوں کو اس کا ثواب عطا فرما عطا رسول سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلسلے چشتیہ کے تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب عطا فرما مولا شہید اعظم ہند حضرت سیدنا سالار مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقائے کار آبا کرام اجداد کرام کو اس کا ثواب عطا فرما مولا روی زمین کے تمام بزرگان دین و مشائخ اعظام جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات سب کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما اس قصبے میں آرام فرما تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کو اس کا ثواب عطا فرما خصوصیت کے ساتھ ان سب کا ثواب شہید ملت حضرت سیدنا غلام طہٰ شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پرفتوح میں اس کا ثواب عطا فرما الہ العالمین حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرما الہ العالمین ہم سب تیرے محبوب کے محبوب کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں مولا اپنے اس بندے کے صدقے میں ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما نیکیوں کی توفیق عطا فرما مسلمانان عالم کے عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما بیماروں کو شفا یابی عطا فرما جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں سب کی حاضری کو مولا قبول فرما مولا جن کے دل میں جو بھی جائز مقاصد ہو پورا فرما الہ العالمین انتظامیہ کمیٹی کو مولا
साहिब मज़ार का खुसूसी फैजान का फरमान, हम सब के इल्म अमल की खेती को अपने इस महबूब बंदे के सत्ते में हरी भरी फरमा दे, इस्लाम सुन्नियत का बोलबाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुकाला फरमा, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे मदारिस दीनिया, इन सब की मौला गैबी मदद फरमा, इनकी हिफाजत व सियानत फरमा। اللهم اني مغلوب فانتصر وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار دنيا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جدر پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله سبسکرائب کریں جنت ایکسپریس کو اور پائے اپنے شہر کی خبریں سب سے